काम आने वाले के भारत देश जगा गए। और जो कुछ मैंने तुझे पढ़ाया, जो कुछ मैंने तुझे पढ़ाया, दुनिया में फैला कर बेटा भारत देश जगा दे। जो कुछ मैंने तुझे पढ़ाया, जो कुछ मैंने तुझे पढ़ाया, दुनिया में फैला दे बेटा भारत देश जगा दे। मैं सिद्धानंद सरस्वती, ये देश सोया पड़ा है अंधकार में, आलस में, अविद्या में, देश छाया हुआ है, चारों ओर घोर अंधेरा छा रहा है। वेद का प्रचार करना बंद हो गया है, अरे वेद का प्रचार लुप्त होता जा रहा है। इस देश को जगाने के लिए मैंने तुझे तैयार किया है, बस मेरी यही दक्षिणा है, देश को जगा दे। क्या कहा, सोते सोते वर्ष बीते पूरे 5000 बेटा, बेटे ऐसा थाप लगा दे गुरु, सोते सोते वर्ष बीते पूरे 5000 बेटा, चारों ओर देख लो छाया अंधकार बेटा, माना जा अछूत आद भंगी और चमार बेटा, तो वो ऊपर जल्दी रोज देश में तलवार बेटा, नाम को न रहा नहीं वेद का प्रचार बेटा, सारे भूमंडल में फिर से वैदिक नाद बजा दे बेटा भारत देश जगा दे। अरे जो कुछ मैंने तुझे पढ़ाया, जो कुछ मैंने तुझे पढ़ाया, दुनिया में फैला दे बेटा भारत देश जगा दे। और बेटा लोग पत्थर को ही भगवान मान रहे हैं, कहीं कुत्ते की कबर हो ना वही मत्था टेक देंगे लोग, कहीं नीला कपड़ा पड़ा हुआ हो चार ईंट रखी वही कबर को मत्था टेक देंगे, कौन सा पीर है करंदर राखी। और जिन्होंने पीर बनाया वो कोई इनके सामने झुकता नहीं। और मुल्ला जी हमारे उत्तर प्रदेश के लंबे लंबे दाढ़े वाड़े वो पूछ के अलग वो जू ऐसा हजार दाढ़ी उनकी फट 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 है जी, पीर को बच्चा नुकड़ा पीर करेगा सारे काम। दो छोकरे गए पढ़ने वाले, कहने लगे बाबा जी एक ऐसा तमीज बना दे, मैं 10वीं में बार बार फेल हो रहा। और मुल्ला जी ने तमीज बनाकर तैयार कर दिया, जो कहने लगे एक तमीज और बना दो हमारी भैंस दूध नहीं देती। अब जैसा दो तमीज उखड़ा करी रख लिए इसने, एक भरे माठ जी से मिल के रास्ते में करा, भाई क्या बात क्या लाया जब मुल्ला जी पर तमीज ला बनवा कर। अब कैसे, कही एक तभी तो मैं छोरे के नाम का लागे था, 10वीं में फैल होते होते कई साल हो गए, और दूसरा तभी कौन सा लागे, तभी जो लागे हमारी भैंस दूध नहीं देती। और ये कहे कि भाई एक काम करिए, इन्हें अलग अलग कर लिए, पूरा कड़ी ना कर दिए, कभी वह भैंस वाला तभी छोरे का बांध वो दूध देना शुरू कर दे, छोरे वाला तभी भैंस को दे दे वो मैट्रिक पास हो जाए, था ना कर दिए काम। इनके तभी जो अगर दम होता बहनों, इस देश के अंदर पाखंड छाया हुआ है, बहुत बच्चे फेल होते जा रहे हैं, पढ़ते नहीं पर तबीजों में विश्वास करते हैं। एक मुल्ला जी ने और तबीज बनाकर दे दिया 500 रुपए दक्षिणा के लिए, और उसमें क्या लिखा, घोड़े के बाल लपेट कर तबीज में दे दिए, 500 रुपए का नोट दिया, बनावटी नोट दे दिया। अब ये जो ना गया लाला पे सामान लेन और 500 का नोट दिया, जो कहने लगा लाला जी बनावटी नोट कहाँ से लाया, बजी कहीं तभी लिया उधर किसी बने लाया जी तबीज बना कर दिया था, पर मैं क्या उसको असली तबीज दिया था बना कर, मैं भी घोड़े के बाल घर कर दे दिए, शेर को तो सवा शेर आके मिले ले भाई, जैसा दिया वैसा लिया, कभी कभी ऐसा भी हो जाता। मैं श्री दयानंद ने कुप्रथाओं को हटाया, आर्यों
तो मैं कह रहा था आपके सामने पत्थर की पूजा तो ईश्वर भक्ति बतलाने लगे, वहाँ के पुजारी लोग भोले लोग को बहकाने लगे, सुल्फा और शराब ऊपर शिव जी के चढ़ाने लगे, विधवाओं के गर्भ छिप छिप करके गिराने लगे। हर ब्रह्मचर्य के बल से बेटा, ब्रह्मचर्य के बल से बेटा, ये पाखंड हटा दे बेटा, भारत के जगा दे। जो कुछ मैंने तुझे पढ़ाया, जो कुछ मैंने तुझे पढ़ाया, दुनिया में फैला दे बेटा, छोला दे जगा दे। सिद्धानंद जी महाराज ने यहाँ पर वेद का प्रचार करना आरंभ किया, आर्यों ये देश लगभग 350 रियासतों में बटा हुआ था, अलग अलग राजा नवाब लोग लड़ा करते थे। स्वामी दयानंद जी महाराज ने देखा है देश बट रहा है, घटता जा रहा है, और सबसे खतरनाक रियासत निजाम हैदराबाद में हुआ करती थी जी, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जाकर के तोड़ा था, और ये भी कह दिया था कि केवल एक महीने के लिए मुझे प्रधानमंत्री बना दो, दिल्ली की गद्दी दे दो, इस दिल्ली की गद्दी को भी चमका दूंगा और धारा 370 का अध्याय भी फाड़ दूंगा। साथियों तुम आजाद तो हो गए, पर धारा 370 का अध्याय नहीं पटा, वो झूका तू रहा। आजाद हुए पर कानून अंग्रेजों के आज भी देश के अंदर विख्यात हैं। अगर इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री हो जाते तो आर्यों का पूरे देश में सार्वभौम चक्रवर्ती राज होता और आज इस प्रकार की आपदा मुसीबतें देश के अंदर ना आती। तो मैं कह रहा था ऋषि दयानंद जी महाराज को उपदेश दे रहे हैं गुरु ब्रजानंद जी, कह रहे हैं क्या कि दूध दही ग्रस्त के सब हुए मोहताज बेटा, पीते हैं शराब खावे लाल मिर्च प्याज बेटा, 10 रुपए सैकड़े तक का लेने लगे ब्याज बेटा, घर पर न रहा आज आर्यों के प्यार बेटा, देश के नरेश तेरे हुए वे सवार राज बेटा, और सब राजाओं को जाकर के सब राजाओं को जाकर के राम और कृष्ण बनाते बेटा, छोया